नमस्कार, स्वागत है आपका सिर्फ सच पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। भारत चीन विवाद आज किस मोड़ पर है? पिछले दिनों हमने देखा ऑल पार्टी मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया, उसको लेके काफी विवाद हुआ, ऑपोजिशन ने कंटेस्ट किया, फिर एमईए का दोबारा स्टेटमेंट आया, पीएमओ ने कल एक और बयान दिया है। तो अब टोटैलिटी में स्थिति क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक काटजू साहब, मेरे फेवरेट डिप्लोमैट्स में से एक, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग हमारी सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक एंड फॉरेन पॉलिसी। काटू साहब, बहुत स्वागत आपके समय के लिए। तो सर, मेरा प्रश्न आपने सुनी लिया कि अब सब बयानों के बाद इस जो हो रहा है, धुंध है, इसको आप कैसे हटाएंगे, साफ करेंगे हमारे दर्शकों? देखिए, चीन के साथ मुश्किल ये है कि जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसको अभी तक उसकी कोई मैप पर डिलिनेशन नहीं हुआ है, और डिमार्केशन की तो बात ही नहीं होती अगर डिलिनेट नहीं हुई। चीन का तो ये रवैया है कि अभी तक उसने मैप्स एक्सचेंज करने को भी माना नहीं, इसलिए समय समय पर ऐसी मामले उठते हैं। हम कहते हैं कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो एक जगह है, चीन कहता है दूसरी जगह है, और पेट्रोल पार्टीज मिलती हैं, आपस में क्लैशेस होते थे। 1993 में दोनों देशों ने तय किया कि ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं, अग्रीमेंट्स हों इस तरह की कि विवाद नहीं, और अगर विवाद हो भी तो फिर जो पेट्रोल्स हैं वो आपस में भिड़े नहीं। मेरा मानना ये है कि आखिरी चंद महीनों में चीन ने एक बहुत आक्रामक रूप अपनाया है, और जो हम समझते थे ऐसे इलाके जहां हमारे पेट्रोल जाते थे और पारंपरिक रूप से जा रहे थे, वो कई जगहों पे लद्दाख में उन्होंने वहां पर रोका है हमें, या कहा है कि ये अब हमारा इलाका है, यहाँ ना आए। इस पे बातचीत हुई 6 जून को, तो कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई, और फिर कुछ समझौते हुए, और गलवान वैली वादी में साफ है कि चीन उन समझौतों से फिरा, पीछे गया, जिसके कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें ये बहुत ही एक भयानक एक वाक्या हुआ जिसमें हमारे 20 जवान अफसर और जवानों की शहादत हुई। और अब इस पर तो आपने देखा ही है क्या देश में बहुत ही, जो प्रधानमंत्री ने कहा आहत पहुंचा है इस पर आक्रोश है, वो स्वाभाविक। और फिर उसके बाद इस पर जो कि भारत सरकार ने जो आश्वासन देश को दिए हैं, प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिए हैं और आपने अभी जिक्र किया, मुझे लगता है उन्हीं आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए रक्षा मंत्री भी मीटिंग्स कर रहे हैं और फौज से कह रहे हैं कि सब कार्रवाई करिए जिससे हमारा जो ये वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यहाँ पर जो हमारी पोजीशंस हैं वो सिक्योर रहें, और जो हमारा मत है वो कायम रहे। अब एक और पहलू है इसका, जिसका मैं जिक्र कर दूं, वो पहलू ये है कि हमने कहा हुआ है चीन से कि हम चाहते हैं, और ये बिल्कुल सही चाहते हैं, कि जो पहले स्थिति थी आप उस स्थिति पे वापस जाए। बिल्कुल, स्टेटस को एंटी, बट सवाल वहीं पे वापस आता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग की, उस दिन उन्होंने बयान दिया कि न तो हमारी जमीन पे कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, और न किसी की पोस्ट हमारी एरिया पे। उस पे सब लोगों ने कहा, तो सब इंडियन सोल्जर्स को शहादत, क्या हम LAC क्रॉस करके गए और चाइनीज टेरिटरी में गए, और उसके बाद जिस तरह से चाइना ने कहा है कि इंडिया ने ट्रांसग्रेस किया, हम उनके एरिया में आए, MEA ने बार बार कहा है कि नहीं, चाइना ने अग्रेशन किया है, उन्होंने एग्रीमेंट्स को तोड़ा है, तो वॉट is your understanding, sir, of what is the situation on the ground? देखिए, situation on the ground
जो कि अभी तक हमें मालूम है वो वही है जो सरकार ने बताई, क्योंकि सरकार के अलावा तो और कोई ऑफिशियल मींस है नहीं जानने का। और आपने सही फरमाया, कंट्रोवर्सी एक विवाद छिड़ा है, और मेरा मानना है कि आजकल की स्थिति में विवाद नहीं होना चाहिए। और अब विवाद, सरकार ने जो भी प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था या जो उनका उन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया था, सरकार ने उसको एक तरह से उसको इलेबोरेट किया है, बताया है। अब इसकी तफसील में अगर हम गए तो जब तक हमारे पास मानचित्र नहीं है, जब तक पूर्ण सूचना नहीं है, तब तक इस पर कोई टिप्पणी करनी मुझे वाजिब नहीं लगती। आज के दिन तो जो सरकार का बयान है, मेरा मानना है कि अभी के लिए, जबकि मामला गर्म है, हमारे अभी सैनिकों का शहादत हुई है, ऐसे समय पर इस मामले को मेरा मुझे ये लगता है कि इस वक्त यहीं पर इसको रखना चाहिए और फोकस हमें करना चाहिए जो हमारी सामरिक जरूरतें हैं, जो हमारी सामरिक पोजीशन है, और जो चीन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सामरिक चैलेंज है, और उस चैलेंज को हम किस तरह फेस करेंगे। क्योंकि दरअसल तो कुछ भी हम कह लें, सामरिक चैलेंज तो चीन का है, वो चीन के साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो उसका उसकी गुटबाजी है, जो पाकिस्तान का वो चीन इस्तेमाल करता है, कुछ पाकिस्तान भी चीन का इस्तेमाल करता है, तो वो सब सामरिक चैलेंज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो वाक्या हुआ है, ये उसी सामरिक जो चुनौती है उसके संदर्भ में हमें देखना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं काटू साहब। देखिए, जब हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं 1950 से लेके 1959-60-62 वॉर, वो जो 10-12 साल का पीरियड देखते हैं, तो हम देखते हैं किस तरह से चाओ एन लाई ने लगातार एक किस्म का एक छलावा बना के रखा, एक झूठ और फरेब का जाल बना के रखा। चाहे वो मैप्स के मुद्दे थे जिसपे उन्होंने कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं किया, चाहे बर्मा का मुद्दा था तो भारत से कहे कि हाँ जी पीसफुली नेगोशिएट करेंगे, मतलब उन्होंने पूरा एक डिसेप्शन, स्टेल्थ, ट्रेचरी, मन मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ भी हम उसको कहें, जिस भी तरह से, वो एक उनका फेस था। उसके बाद 20-25 साल तक हमारी एक डिसएंगेजमेंट सी रही, और जैसा आपने कहा कि लेट 80 से राजीव गांधी की विजिट के बाद से वापस से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, ये एग्रीमेंट्स हुए, एनएसए लेवल पे बातचीत शुरू हुई। लेकिन पिछले ये जो कुछ महीनों का घटनाक्रम है वो वापस से ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं कि मतलब जिसका जैसा रंग है ना वो बदलता नहीं, वो वापस अपने स्टेल्थ, ट्रेजरी, धोखा, छलावा, झूठ, फरेब, उसी किस्म का एक उनका एटीट्यूड इंडिया की तरफ बनता जा रहा है। इससे इंडिया कैसे, किस तरह से टैकल करे, क्योंकि बाय लार्ज माना ही जाता है कि हम थोड़े ज्यादा स्पष्ट हैं, ज्यादा फेस वैल्यू पे चीजें लेते हैं और फेस वैल्यू भी रिलेटिवली ज्यादा बातें करते हैं, तो चीन से कैसे डील करें इस किस्म के नेबर के साथ। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और जिस तरह आपने हमारे जो चीन के साथ संबंध रहे हैं उसके विभिन्न युग समझिए, पीरियड कहिए, रहे हैं, वो भी आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें बस एक इजाफा मैं करूंगा कि 1988 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, एक बुनियादी फैसला हमने लिया, और जिस फैसले ने बुनियादी परिवर्तन हमारी चीन नीति में एक परिवर्तन लाया, वो फैसला, और वो ये था कि सीमा विवाद तो है ही, और इस सीमा विवाद इसको हम इस पर ध्यान देंगे, इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि सीमा विवाद के चलते चीन के साथ हम और जो संबंध बढ़ सकते हैं और क्षेत्रों में उस पर लगाम लगाए। पहले ये विचार था कि जब तक सीमा विवाद एक खत्म नहीं हो जाता,
तो हमारे चीन के साथ जो संबंध है वो सीमित रहे। लेकिन अब फैसला बदला और अब फिर जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने इस फैसले पर अमल किया और उसका नतीजा तो हम देख ही रहे हैं कि व्यापार कितना बड़ा है, चीन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। अब समय सवाल मैं बस ये कहना चाह रहा था कि वो नजरिया बदलने का ज्यादा लाभ चीन को ही मिला है। जिस तरह से अगर हम ट्रेड बैलेंस को देखें, सरप्लस को देखें, तो उसका जो भी एक मुनाफा मिला है वो चाइना को ही ज्यादा मिला है। कभी कभी ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग। देखिए आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका कारण क्या है इसको भी हमें समझना है। चीन ने 1978 में यह फैसला किया कि वो अपनी अर्थव्यवस्था बदले और अपने आप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट विल ओपन अप इट्स इकॉनमी। और फिर चलते चलते चीन में बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आए और फिर तो चीन ने अथॉरिटेरियन सोसाइटी है, आदेश सब चलते हैं, सब मानते हैं। चीन ने मैं समझता हूं एक दो जेनरेशन्स का अपना जो वेलफेयर था उसको एक प्रकार से सैक्रिफाइस किया और ये तय किया कि वो अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाए। और उसके चलते चीन आज के दिन दुनिया की फैक्ट्री बन गई। आप खुद ही देखें ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं उसका कितना कितना भाग चीन कंट्रोल करता है। कोई चीज उठा के देख लें, यहीं पर नहीं दुनिया में देख लें, अब उसमें कोई ना कोई पार्ट चीन का जरूर रहता है। तो जब ऐसी स्थिति बनी तो ये स्वाभाविक था कि जब व्यापार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी तो चीन को ज्यादा फायदा हो। चीन इसके चलते जो मैन्युफैक्चरिंग उनकी बढ़ी, जो फैक्ट्री वो दुनिया की फैक्ट्री बना, इसके चलते चीन की तिजोरियां भरी। चीन के पास आज कितने कैपिटल एसेट्स। बहुत देर तक उन्होंने ये एक नीति थी उनकी टू लाई लो कि हम अपनी शक्ति जैसे वृद्धि हो रही है वो दुनिया को दिखाने की कोशिश नहीं कर। लेकिन शी जिनपिंग के दौर में उन्होंने ये जो उनकी एक नीति थी, एक भावना थी, वो छोड़ दी। और आज के दिन अगर आप देखें तो हर क्षेत्र में और हर रीजन में, एरियाज में और रीजन में वो बहुत ही अग्रेसिव हो गए। जो दुनिया के नियम है, कानून है, उसको त्याग रहे हैं। साउथ चाइना सी में देख रहे हैं आप, ताइवान में, हांगकांग में, जापान के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया, और वो अभी और हमारे वहां भी जो ये कर रहे हैं एक आक्रामिक रूप अपनाया है। मैं समझता हूँ इसी का एक पार्ट है। और अब चीन समझता है कि उसका अब युग आ गया है और वो अपने आप को अमेरिका के मुकाबले समझता है कि अब G2 है। जैसे एक जमाने शीत युग के जमाने में सोवियत यूनियन और अमेरिका था, अब चीन समझता है अब हम हैं और अमेरिका है। और ये भी समझता है कि हमारी शक्ति बढ़ रही है और अमेरिका की मध्यम बढ़ रही है। तो मुझे ये एक संदर्भ दिख रहा है जिस संदर्भ में हमें चीन से जो सामरिक चुनौती है उसका सामना करना पड़ता है। सर तो ये बताइए कि चाइना तो अपने आप को ग्लोबल सुपर पावर समझ रहा है और है भी अमेरिका के मुकाबले। हमारे जो नए मैत्री के समीकरण बन रहे हैं, चाहे वो क्वाड का है, वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका बहुत दूर, और चीन हमें हमारे बिल्कुल पड़ोस में घेर रहा है। पाकिस्तान तो शुरू से एक तरह से उसका सैटेलाइट स्टेट है, वीसा भी इंडिया, वो जब चाहे उस प्रॉप को इस्तेमाल कर सकता है। अब आप देखिए बीच में मालदीव्स हो गया था, बांग्लादेश में उसके इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, कोलंबो में उसके एसेट्स बढ़ रहे हैं, नेपाल को किस तरह से प्रोवोक किया जा रहा है। तो हमारे दोस्त तो दूर दराज इलाकों में बैठे, चीन तो हमें चारों तरफ पड़ोस में ही घेर रहा है। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज कि हम किस
मतलब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम इसको किस तरह से मुकाबला करेंगे? देखिए इसमें दो चीजें हैं संजीव, एक तो यह है कि कई देश चीन के जो जो एक बहुत आक्रामक रूप है, जो अग्रेसिव नीतियां हैं, उससे थोड़ा वो घबरा रहे हैं। अब आप खुद देखिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उनका, उसके तहत मोटा मोटा वो ये दस्तूर बन रहा है कि वो पैसे देते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, तो एक संबंधी उधार देते हैं, और ऐसे इस तरह से देते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में देते हैं कि जो रिसिपिएंट कंट्री जहां पर प्रोजेक्ट लग रहा है वो उसको धीरे धीरे देखता है कि वो उसके लाभ का नहीं है, और जो उसको पैसा लौटाना है वो लौटा नहीं पा रहा है। तो उसके बाद चीन क्या चाहता है कि हमें तुम जमीन लीज में दो, हमें ये पोर्ट लीज में दो। अब लोग इस सबसे घबरा रहे हैं, हमारे ही क्षेत्र में नहीं, अफ्रीका में भी ये देखिए कि चीन के रवैये से काफी नाराज किए, और ये हमारे रीजन में तो है, और कई जगह लोग चाहते हैं कि भारत एक बैलेंसिंग पावर हो, इसीलिए चीन ऐसे कदम भी उठाना चाहता है कि भारत की प्रतिष्ठा कम करे। So, इंडिया की एक पोजीशन है, पोजीशन रहेगी, एक आवश्यकता है, और चाइना की हमेशा कोशिश ये रहेगी शायद कि वो हमारा हमारा हमारी हमारा कद किस तरह से कम करे। तो काटू साहब, चीन की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि वो हमारा कद किस तरह से कम करे, जिससे कि एशिया और दुनिया में उसका वो एक बड़े सुपर पावर की तरह देखा जाए, और नेबरहुड में तो कम से कम उसका इस कॉन्टिनेंट में तो कोई चैलेंज नहीं हो। तो फिर हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चीन इसलिए भी हमसे बौखलाया हुआ है, नाराज है, क्योंकि वो देख रहा है कि हम उसके राइवल्स अमेरिका वगैरह के नजदीक जा रहे हैं। क्या वो हमारे पास विकल्प है कि हम अमेरिका के नजदीक नहीं जाए तो चीन तो हमसे फिर भी खुश नहीं होता? तो एग्जैक्टली इंडिया चाइना रिलेशंस क्या कभी सुधर सकते हैं, या वी आर जस्ट सो प्लेस्ड कि ये तो ऐसे ही चलेगा? देखिए ऐसे रिलेशनशिप्स में एक मोडस विविंडी बनानी पड़ती है, एक मैनेज करना पड़ता है। अब हम ऐसे स्तर पे हैं, हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो ऐसे स्तर पे है कि हमें अमेरिका से भी की आवश्यकता है, अमेरिका से टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, अमेरिकन बाजार की आवश्यकता है। अमेरिका से जो पहले एक आइडियोलॉजिकल एक विचार के ऊपर एक मतभेद होता था वो सब अब चला गया, तो अब हम अमेरिका से संबंध बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका के, अगर आप क्षमा करें मैं कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई पिछलग्गू नहीं बने। मेरा मानना है कि भारत जैसा देश, हमारा जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी फितरत है, जो हमारा एक, हम बड़े देश हैं, इतनी बड़ी आबादी है, इतने संसाधन है, हम किसी की के एक जूनियर पार्टनर नहीं बन सकते। तो इसीलिए एक बैलेंस रखने की जरूरत है, और अगर चीन को लग रहा है कि हम अमेरिका के साथ उसके खिलाफ होंगे टू कंटेन देम, तो चीन को भी इसमें विचार करना चाहिए कि क्या उसने हमारे साथ ऐसा नीतियां अपनाई हैं जिससे हमारे और चीन के संबंध आगे बढ़ सके सामरिक क्षेत्र में। एक होता है विवाद हमारे और चीन के खिलाफ, लेकिन जैसे आपने खुद कहा, चीन ने तो पाकिस्तान को, जो कि हमें एक समझता है दुश्मन, और ये मानता है कि हम चीन और भारत और जो पाकिस्तान की शत्रुता है वो निरंतर है, कभी अंत ही नहीं हो सकता, उस देश को कितना प्रोत्साहन किया, यहां तक कि चीन ने उसका जो परमाणु हथियार प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसकी बुनियाद कहां है? उसकी बुनियाद तो चीन में, हर सूरत पाकिस्तान की मदद करी उसने कि भारत के खिलाफ उसको एक ऐसी शक्ति बनाए कि भारत को वो जकड़ के रख पाए। वो नहीं रख पाता, वो अलग चीज है, लेकिन एक हैंडीकैप कर। और एक और चीज मैं अगर आपसे कहूं कि अगर हमें चीन से या दुनिया में अपना एक और मकाम हासिल करना है, तो उसका
वो मकाम हम तब तक हासिल नहीं पूर्ण रूप से कर पाए जब तक हमारी खुद अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से मजबूत ना हो, जब तक साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम एक ऑथेंटिक पावर नहीं बन जाए कि दुनिया ये माने कि भारत में कि भारत की अर्थव्यवस्था ही स्ट्रांग नहीं है, इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी का भी भंडार है जैसे चीन कोशिश कर रहा है। और मेरा मानना है कि जो प्रधानमंत्री ने एक आह्वान दिया है कि हम आत्मनिर्भर बने, उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना चाहिए। जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी संजीव जी, तब तक हम चीन पर निर्भर करते ही रहेंगे, वो निर्भरता जो है वो कम करनी। अच्छा सर, एक और चर्चा जो और एक और मुहिम जो बड़ा जोर पकड़ रही है या जिसकी कम से कम बातें बहुत हो रही है, चीन तो अर्थ की या पैसे की तजारत की भाषा ज्यादा समझता है, तो चाइनीज गुड्स बॉयकॉट कीजिए। अब वो कितना व्यवहारिक है, एक सवाल एक पहलू उसका ये है। दूसरा पहलू उसका ये है कि वो कितना सही एक अप्रोच होगा, इस पे आपका आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, कई तो ऐसे वस्तु हैं, ऐसी कमोडिटी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं समझता हूं कि भारत ही में बनने चाहिए। अब क्या पंखे चीन से हमें इंपोर्ट करने चाहिए? क्या मूर्तियां चीन से आनी चाहिए? चाहे स्पोर्ट्स गुड्स हैं, क्या हम वो चीन से लाएं? हमें अगर हमें किस क्षेत्र में कमी है, क्या टेक्नोलॉजी की कमी है, कैपिटल की कमी है, क्या कमी है कि ये चीजें जो हैं ये हम खुद देश में नहीं बना सकते? फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां मैं समझता हूं कि चीन का बहिष्कार पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। सेलफोन ले लीजिए, एक दिन आएगा और मैं समझता हूं आना चाहिए जबकि हम उन सेलफोन्स को इस तरह भारत ही में प्रोड्यूस कर पाए। इसी तरह और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं टेलीकम्युनिकेशंस में, पावर जेनरेशन में, जो हम भारत में बनाए, लेकिन वास्तविकता से दूर हम नहीं हट सकते कि आज के दिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, चीन दुनिया की फैक्ट्री और उसने एक चीप प्रोडक्ट्स बनाना में अब एक प्रकार से महारत प्राप्त की हुई है, स्केल तो सुपर पावर बनी गया है उसमें, तो लोन सुपर पावर है चीन प्रोडक्ट्स में। उसने किस तरह किया है, क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो उसने रीडिफाइन कर दिए? मुझसे एक ताजर ने यही कहा था, आज नहीं कोई 30 साल पहले मुझसे कहा था कि भाई हम उससे कैसे करेंगे, वो तो जो हम कच्चा माल होता है उससे सस्ते दाम पे बेचते हैं। तो वो उसका कारण यही है, जमीन सरकार की है, जमीन मुफ्त में दी, बिजली पे दिया, लेबर कंट्रोल किया, तो हम जानते हैं क्या किया उन्होंने। अब हमें भी ऐसी व्यवस्थाएं बनानी पड़े, लेकिन डेमोक्रेटिकली बनानी पड़े। ये नहीं कि अथॉरिटेरियन सिस्टम जो चीन का है, तानाशाही वहां पर है, उसको हम यहाँ पे लागू करें, कर नहीं सकते, हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी फितरत के खिलाफ। तो सर, भारत चीन एलएसी विवाद पे अगर लौटे हैं, और मैं अंतिम सवाल टाइप पे हूं कि ये तो तय सा लग रहा है कि ये पिछले कुछ महीनों की प्रेपरेशन थी, एक निश्चित सोच समझ के साथ चीन ने जो भी एक्शंस लिए हैं पिछले हफ्तों में, उसके पीछे कुछ महीनों की सोच और प्रेपरेशन थी, शायद उससे भी लंबे समय। अब फिलहाल तो एक बार ये 15-16 जून की घटना के बाद, जिसमें दोनों तरफ से जान माल का नुकसान हुआ है, उसके बाद एक बार तो एक टेंशन वाली स्टेलमेट है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपकी क्या रीडिंग है कि क्या होगा? क्या बॉर्डर्स पे वापस कुछ फ्लेयर अप होने की संभावना है? किस तरह से ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस बढ़ेगा? मतलब हाउ डू यू सी द सिचुएशन अनफोल्डिंग फ्रॉम हियर ऑन? देखिए, हमने तो साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि अगर आप विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट देखें तो हमने साफ उसमें कहा है कि हम चाहते, जब विदेश मंत्री और चीन, हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री में बातचीत हुई, तो हमने कहा कि जो जून 6 की अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं
उसको कार्यान्वित में चीन को कार्यान्वित करना चाहिए, जमीन पर उसको लागू करें। अब एक रास्ता यह है कि चीन समझे कि भारत, ये वाक्या जो हुआ वो अपनी जगह है, इस पे मैं इसको अंडरप्ले में नहीं कर रहा हूं, इसकी जो गंभीरता है, जो चीन का एक रुख दर्शाता है, चीन की बर्बरता दर्शाता है, वो अपनी जगह है। लेकिन अब चीन भी नहीं, मुझे लगता है, चाहता है कि मामला बहुत फैले। और अब दरअसल चीन भी चाहता है कि अब शांतिपूर्वक ये मामला संभले। लेकिन क्या चीन स्टेटस को एंटी रिस्टोर करने को तैयार हो? हम तो उससे यही कह रहे हैं कि हमें और कुछ कबूल नहीं है, जो आपने चंद महीनों में किया है उस पर वापस जाइए, और इस पर अब बातचीत होनी पड़ेगी, लंबी होनी पड़ेगी। और क्योंकि टेंशन्स बढ़ गई हैं, इसलिए मैं समझता हूं सरकार ने ठीक कदम उठाया है, जो आदेश आज रक्षा मंत्री ने दिए हैं वो ठीक दिए हैं हमारी सब सेनाओं को, कि आप सतर्क रहें, पूर्ण रूप से सतर्क रहें, कि कोई भी हालात हो हम उन हालात का सामना करने के लिए तैयार हों, और हमें क्षमता हो उनको सामना करने के लिए। सर आज की चर्चा को यही विराम देते हैं, भारत चीन संबंधों पर, इसकी ग्लोबल पर्सपेक्टिव को आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया मुझे और हमारे देखने वालों को, और जैसे आपने कंक्लूड किया कि डेफिनेटली इंडिया का स्टैंड ये है कि हमारी टेरिटोरियल सॉवरेंटी इंटीग्रिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि सीमा पर और दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण, अगर सौहार्दपूर्ण नहीं भी तो शांतिपूर्ण संबंध बने रहे, और उसी नजरिए से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े। विवेक काटजू साहब, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नमस्ते। थैंक यू।